कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस की जनसभा में उन्होंने कहा, एक बार बीजेपी विधानसभा भंग कराकर चुनाव करवा ले, कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में तकरार जारी है, लेकिन इसके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती बरकरार रही। सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। ग्वालियर की सभाओं में सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी को अगर खुद पर विश्वास है तो वे विधानसभा भंग करवा के चुनाव करवा लें, कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत मिलेगा। पायलट ने कहा, बीजेपी गलत तरीके से सत्ता में बनी रहना चाहती है। अगर आपको अपने ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी विचारधारा के ऊपर इतना विश्वास था तो एक बार आप जरा विधानसभा भंग करके देख लो, चुनाव लड़वा लो, पूरा पता पड़ जाएगा। दो तिहाई बहुमत के साथ कांग्रेस जीतकर आई, वो हिम्मत नहीं है। ये चोरी छुपे, लुका छुपी, लालच प्रलोभन, डर भय ये पैदा कर विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की जा रही। हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और मैं मानता हूं राजनीति में अगर कोई आत्मीयता से, प्रेम से, सद्भाव से एक दूसरे के साथ बर्ताव रखता है, लोगों को इज्जत देता है, उस नेता को लोग सराखों पर बिठाते। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले माँ को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को कमाने की मजबूरी न रहे, माँ बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि माँ को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए। माँ के तो पेट पर ही लात मार दी। माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। 10 रुपए में हर मार, 10 रुपए में इतना महंगा दे रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब वही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है, एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।